बच्चों, इस वीडियो में आपके सिलेबस का अंतिम चैप्टर जो गद्य का है, भारत माता, शुरू करने जा रहे हैं। भारत माता पाठ पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया है, जिनके बारे में आप सब लोग जानते हैं कि वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। ये एक अच्छे लेखक, वक्ता, राजनीतिज्ञ, वकील, इनके व्यक्तित्व में अनेक आयाम समाये हुए हैं और इसीलिए जो ये पाठ है भारत माता अपने आप में एक विशिष्ट हो जाता है हम सबके लिए कि इन्होंने इस पाठ में भारत माता की क्या संकल्पना की है, उनकी नजर में भारत माता क्या है, इसी बात को उन्होंने इस पाठ के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले लेखक परिचय के बारे में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन परिचय के बारे में थोड़ी बात होगी, फिर इस कहानी का, इस पाठ का सारांश की बात हम करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो जीवन परिचय हो जाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद, जो कि आज प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, इसका ऐतिहासिक और नाम प्रयागराज ही था, जो बीच में कुछ सौ सालों के लिए इसका नाम इलाहाबाद हुआ, बट अपने पूर्व स्थिति में पुनः आ गया। ये इसका प्रतिष्ठित और सर्वप्राचीन नाम प्रयागराज। तो प्रयागराज के एक संपन्न परिवार में 1889 में हुआ था। इनके पिता एक प्रसिद्ध वकील थे। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा वो घर पर और उच्च शिक्षा इंग्लैंड में हैरो और कैम्ब्रिज कॉलेज से हुई। इन्होंने वहीं से वकालत की पढ़ाई भी की, कैम्ब्रिज से ही, और इन पर गांधी जी का कालांतर में बहुत प्रभाव पड़ा। जब वो राजनीति में आए, उनके आह्वान पर, गांधी जी के आह्वान पर नेहरू जी पढ़ाई छोड़कर, आजादी की लड़ाई में पढ़ाई छोड़कर, क्या वकालत छोड़कर आजादी की लड़ाई में शामिल हो गए और 1929 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष बने और उन्होंने वहीं से भारत के पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। इनका झुकाव समाजवाद की ओर था। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, ये भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और जीवन पर्यंत ये भारत के निर्माण में लगे रहे। इन्होंने देश के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई, जिनमें आर्थिक और औद्योगिक प्रगति तथा वैज्ञानिक अनुसंधान से लेकर साहित्य, कला, संस्कृति आदि क्षेत्र शामिल थे। बच्चों से इन्हें विशेष लगाव था, इसलिए वे चाचा नेहरू के नाम से भी जाने जाते हैं। ये शांति, अहिंसा और मानवता के हिमायती थे। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व शांति और पंचशील के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया। इनकी मृत्यु 1964 में हो गई। जो इनकी रचनाएं हैं वो मूल रूप से, चूंकि ये उच्च कोट के लेखक भी थे और इनका जो मूल लेखन है वो अंग्रेजी में ही है, इनकी रचनाओं का हिंदी सहित अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ है। इनकी जो मुख्य रचनाएं हैं वो हैं मेरी कहानी, जो कि आत्मकथा है, विश्व इतिहास की झलक, हिंदुस्तान की कहानी, पिता के पत्र पुत्री के नाम, जो कि उन्होंने इंदिरा गांधी को लिखे थे, लेखों और भाषणों का संग्रह, हिंदुस्तान की समस्याएं, स्वाधीनता और उसके बाद, राष्ट्रपिता, भारत की बुनियादी एकता, लड़खड़ाती दुनिया, ये सब इनकी रचनाएं थी। तो रचना की दृष्टि से जो इनका लेखन है वो बहुत ही समृद्ध है। तो ये तो हुआ लेखक परिचय।
जवाहरलाल नेहरू जी का ये परिचय था संक्षिप्त। अब आते हैं इस भारत माता में है क्या, इस पाठ का मूलतः सारांश क्या। तो भारत माता जो अध्याय है, जो पाठ है, हिंदुस्तान की कहानी का पांचवा अध्याय है। ये हिंदुस्तान की कहानी ग्रंथ से लिया गया है और उसका ये पांचवा अध्याय है। इसमें नेहरू ने बताया है कि किस तरह देश के कोने कोने में आयोजित जलसों में जाकर वे आम लोगों को बताते थे कि अनेक हिस्सों में बटा होने के बाद भी हिंदुस्तान मूलतः एक ही है। इस अपार फैलाव के बीच वे कौन सी एकता के आधार हैं और क्यों भारत एक देश है, क्योंकि अंग्रेजों ने इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा दी थी। उपमहाद्वीप का मतलब एक ऐसा महाद्वीप जो कि छोटे छोटे राज्यों में, छोटे छोटे देश में बटा हुआ है। बांटो और राज्य करो की नीति के तहत उन्होंने इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा दी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसके जस्ट अपोजिट, इसके खिलाफ उन्होंने कहा कि हिंदू कुश से लेकर कन्याकुमारी तक और इधर सिंध से लेकर आपका आसाम तक भारत एक देश है, एकजुट है, सांस्कृतिक और राजनीतिक दोनों ही दृष्टियों से। तो इसी का झलक है कि ये भारत माता जो कि हिंदू कुश से लेकर यहां आपके कन्याकुमारी और सिंध से लेकर आसाम तक जो एक भारत है, मूलतः उसकी रूपरेखा, उसकी संकल्पना क्या है। वे बताते हैं कि भारत के सभी हिस्सों की जो नियति है, जो उसका भाग्य है, वो एक ही तरीके से बनता और बिगड़ता है। उन्होंने भारत माता शब्द पर भी विचार किया तथा यह निष्कर्ष निकाला कि भारत माता की जय का मतलब है यहां के करोड़ों करोड़ लोगों की जय। नेहरू जी का कहना है कि जब वे जलसों में जाते हैं और श्रोताओं से भारत की चर्चा करते हैं, भारत संस्कृत का शब्द है और इस जाति के परंपरागत संस्थापक के नाम से निकला है। भारत मतलब भारत। शहरों में लोग अधिक समझदार हैं, गांव में किसानों से देश के बारे में चर्चा करते हैं, वे उन्हें बताते हैं कि देश के हिस्से अलग होते हुए भी एक ही हैं। वे बताते हैं कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक समस्याएं भारत की एक ही हैं और स्वराज्य सभी के लिए फायदेमंद है, सभी के लिए उपयोगी है। नेहरू जी ने सारे भारत की यात्रा की, भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने यह समझाने का प्रयास किया कि हर जगह किसानों की समस्याएं एक सी हैं, गरीबों, कर्जदारों, पूंजीपतियों के सिकंजे, जमींदार, महाजन, कड़े लगान और सूद, पुलिस के जुल्म, ये सारी समस्याएं हैं जो कि हर जगह विद्यमान है। भारत के कोने कोने में, हर गांव में, हर शहर में ये हैं। ये सभी बातें विदेशी सरकार की देन है तथा इन सबसे छुटकारा पाने के बारे में हमें सोचना पड़ेगा गंभीरता से। सभी लोगों को देश के बारे में सोचना ही पड़ेगा। वे लोगों से चीन, स्पेन, अबिसिनिया, मध्य यूरोप, मिस्र और पश्चिमी एशिया में होने वाले परिवर्तनों का भी वो जिक्र करते हैं। वे सोवियत यूनियन एवं अमेरिका की उन्नति के बारे में भी बताते हैं। किसानों को विदेशों के बारे में समझाना आसान नहीं था, किंतु उन्होंने जैसा समझ रखा था वैसा मुश्किल भी नहीं था। इसका कारण यह था कि हमारे महाकाव्यों एवं पुराणों ने इस देश की कल्पना करा दी थी और तीर्थ यात्रा करने वाले लोगों ने या बड़ी लड़ाइयों में भाग लेने वाले सिपाहियों ने और कुछ लोगों ने विदेशों में नौकरी करके देश दुनिया की जानकारी प्राप्त की थी। सन 30 की आर्थिक मंदी, 1930 में जो आर्थिक मंदी